प्रदेश में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के मालीबारी का है, जहां कोचिंग पढ़ने के लिए आए छात्र की कुछ मनबढ़ युवकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। साथ ही युवकों ने छात्र की बाइक को भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के बंजरिया शुक्ल गांव का रहने वाला मृतक शत्रुघ्न शाही इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। वो सदर कोतवाली क्षेत्र के मालीबारी चौराहे स्थित एक कोचिंग सेंटर पर पढ़ता था, जहां दो दिनों पहले कोचिंग में अहलवार गांव के रहने वाले एक छात्र से बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया था, जिस बात को लेकर गुस्साए कुछ युवकों ने कोचिंग जा रहे छात्र को रस्ते में घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी, जिससे छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे, किसी ने छात्र की जान नहीं बचाई, जिसके बाद कोचिंग के अन्य छात्रों ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की, जबकि छात्र के साथ आए अन्य तीन युवक अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहे। पकड़े गए मनबढ़ की छात्रों ने जमकर धुनाई करने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की चार बहनें हैं और पिता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो परिवार में चार बहनों का अकेला भाई था। मैं वो कोचिंग पढ़ने गया, पांच लड़के मिल के अहिल्यापुर के उसको मार डाला। कौन कोचिंग पढ़ने गया था? रंजीत सिंह, मेरा छोटा भाई। पुराना रंजीश भी था क्या? ऐसा कोई झगड़ा भी बात था क्या? नहीं, कोई पुराना झगड़ा नहीं था। कैसे मारे हैं सर? वो मिट्टी में घिसित घिसित के मारे, बेल्ट से फिर बाइक चढ़ा दिए ऊपर, पांच लोग थे। आज सवेरे एक कोचिंग में, एक गांव का देहात का ही कोचिंग है, मालीबारी गांव पड़ता है कोतवाली थाना क्षेत्र, वहां पर कुछ लड़के कोचिंग करने के लिए आए थे और सीट पे कोचिंग क्लासेस में आगे बैठने के विवाद को लेके दोनों लड़कों में आपस में झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में एक लड़के के चोट ज़्यादा लग गई। 17 साल उसकी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ता है और वो वही बंजरिया गांव है, हिंदू थाना क्षेत्र में वहीं का रहने वाला है। उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस द्वारा बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसमें से एक अभियुक्त जो उसी कोचिंग में पढ़ने जाता था उसको पकड़ लिया है। बाकी तीन अभियुक्त उसमें और हैं, उनको पकड़ने के लिए टीम बनाकर निर्देशें दी जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट।